बीजेपी की वृहद कार्य समिति की बैठक और जेसीसी सीतापुरा में बैठक का आयोजन, बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर, चार केंद्रीय मंत्रियों का कार्यक्रम में सम्मान किया गया। दो सत्रों में कार्य समिति की बैठक, दिग्गजों की बैठक और बीजेपी का महामंथन। बीजेपी वृहद कार्य समिति की बैठक और तमाम दिग्गज बैठक में मौजूद रहे। सीतापुरा में बीजेपी का ये महामंथन। संगठनात्मक मजबूती को लेकर बैठक में चर्चा हुई। जेसीसी सीतापुरा में बैठक का आयोजन हुआ और करीब 8000 प्रतिनिधि बैठक में शामिल रहे। इस दौरान तमाम दिग्गज मौजूद रहे और एक ही मंत्र दिया गया कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बीजेपी चलती है और आगामी समय में भी कार्यकर्ताओं के कार्य पर लगातार नजर रही है, संगठन में मजबूती लानी है और साथ ही उपचुनाव को लेकर भी यहां एजेंडा सेट हुआ। सीतापुरा में बीजेपी का यह महामंथन हुआ, दिग्गजों की बैठक हुई, तमाम दिग्गज मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और चलिए और अधिक जानकारी के लिए, बातचीत के लिए विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, एक बड़ी बैठक हुई है कार्य समिति की, ये तमाम दिग्गज मौजूद रहे, केंद्र से मिनिस्टर्स आए, प्रदेश बीजेपी के भी तमाम दिग्गज यहां मौजूद रहे। क्या कुछ चर्चाएं हुई उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ एजेंडा सेट किया गया और कार्यकर्ताओं को जो मंत्र दिया गया है कि हर कार्यकर्ता पर नजर है और साथ लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए बिल्कुल मनीषा, मैं अगर ये कहूँ कि इस पूरी कार्य समिति में जो सबसे अहम निकल कर आया है, वो निकल कर आया है सीएम भजन लाल शर्मा का वो स्टेटमेंट कि कार्यकर्ता पर नजर है, यानी कि हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए अहम है, संगठन के लिए अहम है। कोई कार्यकर्ता ये मन में ना रखे कि उस पर नजर नहीं रखी जा रही है। जब सीएम ने इस घटना का उल्लेख किया कि जब मुझे सीएम बनाया गया तब मुझे भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए वो कार्यकर्ता जो इस वजह से मायूस हों कि हम लगातार काम कर रहे हैं, दरी पट्टी बिछा रहे हैं, पार्टी के लिए स्लोगन लिख रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मेरे साथ पूरे अविनाश गहलोत जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री अविनाश जी, आज एक बड़ी चीज निकल कर आई जो सीएम ने कहा था कि कार्यकर्ता पर नजर है, मतलब कोई कार्यकर्ता ये ना सोचे कि वो मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को देखा नहीं जा रहा है। देखिए भजनलाल शर्मा जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संगठन में लगातार 25-30 सालों तक काम किया है, लगातार काम कर ही रहे हैं, संगठन महामंत्री के नाते भी काम किया, एक छोटे कार्यकर्ता के नाते भी काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से इस बात के लिए तैयार है कि कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो उसको पद भी मिलेगा, ओहदा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो कार्यकर्ताओं के सम्मान में पार्टी खड़ी रहती है, इसीलिए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है, कार्यकर्ता उचित सम्मान भी मिलता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और ये मुख्यमंत्री के रहते इस बात के लिए हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत करेगा, उसको उचित स्थान भी पार्टी के अंदर मिलेगा। आज जो पूरी मीटिंग हुई, ग्रास रूट से लेकर आपकी टॉप लीडरशिप, संगठन का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा, शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन हुआ, तो क्या ये एक बूस्टअप है कार्यकर्ता के लिए कि आगामी दिनों में आपको 5 उपचुनाव उतरना है? देखिए सिर्फ उपचुनाव के नजरिए से उसको नहीं देखा जाना चाहिए। राजस्थान में साल में एक बार हमारी कार्य समिति की बैठक होती है, इस बार वृहद कार्य समिति हुई जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी हमारे जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो लोग उपस्थित रहे हैं। निश्चित ही इस प्रकार के कार्यक्रम से कार्यकर्ता जो हैं क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार बनाने में मदद करते हैं, संगठन को मजबूत करने में मदद करते हैं, इस प्रकार के आयोजन से उनके बीच में एक परस्पर भावना पैदा होती है, एक कंपटीशन बढ़ता है कि हम लोग अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको और अधिक सम्मान मिलेगा। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है जहां जो काम करेगा कार्यकर्ता उसको सम्मान मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा मैसेज आज पार्टी की कार्य समिति से जाएगा, जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता कल से ही वापस फील्ड में लगेगा, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे सहकारिता के चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के हो, चाहे पंचायत राज के हो, और अलावा संगठन के जितने भी काम हैं उसके बारे में भी पूरी मुस्तैदी के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में काम करेंगे। अहम सवाल जो, क्योंकि आज वो प्रस्ताव भी आपने रखा, पीएम का अभिनंदन किया और साथ ही जो संविधान हत्या दिवस आपने आपातकाल को घोषित किया है उसको लेकर भी चर्चा हुई। देखिए 25 जून की काली रात को देश के संविधान को कुचला गया,
आज देश में संविधान की किताब को हाथ में लेकर जो नौटंकी कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा हो रही है, सबसे पहले उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि 25 जून को 1975 को जो संविधान को खत्म करके जो आपातकाल लागू किया गया, देश में नागरिकों के मौलिक अधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया, संविधान की आत्मा को कुचला गया। आज जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में नरसंहार हुआ था और इस प्रकार के जो कृत्य हुए थे उसको देश की जनता समझे, क्योंकि कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर रखा है संविधान को खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो इस संविधान हत्या दिवस को घोषित करके हम लोग चाहते हैं कि देश की जनता इसके अस्तित्व को समझे, कांग्रेस की कथनी और करने में कितना अंतर है। 100 से ज्यादा बार उन्होंने चुनी हुई सरकार को, राज्य सरकार को कांग्रेस के अपने केंद्र सरकार में रहते हुए गिराया है, तो ये उसका काला चेहरा है जिसके बारे में देश की जनता, प्रदेश की जनता को बताना जरूरी है। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय संगठन का, शीर्ष नेतृत्व का, केंद्र सरकार धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने संविधान हत्या दिवस को घोषित किया है। ये थे अविनाश गहलोत, जिनका कहना है कि आज कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को बूस्टअप मिला, केवल चुनावों से उसको नहीं जोड़ के जा सकता, और भी तमाम नेताओं से बात करेंगे।